सब बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं रहे हो? ये उनसे डर लगता है, वो बहुत गंदे हैं। बैड अंकल। ओह, सैड गंदे। अच्छा, उन्होंने आपके पापा को मारा था ना? हाँ गन से। और आपकी मम्मा को भी तो हर्ट किया था उन्होंने? हाँ। ये तो उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, वो सच में बैड है। पर चलो कोई बात नहीं, अगली बार कोई भी आपके मम्मी पापा को हर्ट करे ना, तो आप भी उनको हर्ट कर देना। जैद कहाँ चला गया? अभी तो नहीं था। आलिया ने करी आसमा को जान से मारने की कोशिश, आसमा के साथ जैद से भी लेगी बदला। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जैद है उसके लिए अरमान जो है सब कुछ कर रहा है, लेकिन जैद अरमान को अपना अब्बू नहीं समझ पाएगा क्योंकि असली अब्बू की उसने जान जो ली थी। दूसरी तरफ अरमान अपनी मॉम से बहस करता है कि देखो जैद अब हमारे साथ ही रहेगा, उसे वहां पड़ोसी मुल्क भेजकर कोई फायदा नहीं जब वो आसमा के बिना रह नहीं सकता। सारी जगह देख लिया मैंने, आने टेरेस पे तुम चले गए। बेटा सुनो, आप ना टेरेस पे जाके खेलो, वहां कोई भी बैड अंकल नहीं आएंगे। चलो जाओ 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 जाओ, भागो। जैद, जैद कहां चला गया? उन्होंने आपके पापा को मारा था ना, आपकी मम्मा को भी तो हर्ट किया था उन्होंने। अगली बार कोई भी आपके मम्मी पापा को हर्ट करे ना, तो आप भी उनको हर्ट कर देना। दूसरी तरफ यहाँ पर आसमा बताती है अरमान की मॉम को कि वो अरमान और अपने बच्चे को जन्म जरूर देगी। अब ऐसे में आलिया प्लान बनाती है कि मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि आसमा कभी माँ ही ना बन पाए, और इसीलिए वो हाथ धोकर पड़ गई है आसमा की जान के पीछे। दूसरी तरफ जैद जो है, क्योंकि वो अरमान को पसंद नहीं करता, तो आलिया इस बात का भी उठाने वाली है फायदा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आलिया एक बार फिर से करने वाली है आसमा के साथ घिनौनी हरकत, आसमा की लेने वाली है जान। जहां पर हम देखते हैं आसमा गाड़ी के नीचे होती है, तो वो जो है मशीन से गाड़ी को नीचे करती हुई आलिया दिखाई देती है ताकि आसमा वही के वही मर जाए। और यहाँ पर सही मौके पर अरमान भी जो है आसमा को बचाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आसमा अरमान अरमान चिल्ला रही है, मदद की गुहार लगा रही है। दूसरी तरफ जैद भी आसमा यानी कि अपनी अम्मी को ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए आने वाला एपिसोड फिर से काफी इंटरेस्टिंग होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।